नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हम उद्धव गीता के 22वें तथा श्रीमद् भागवत के 27वें चैप्टर का पाठ कर रहे हैं और इसमें भगवान ने क्रिया योग का वर्णन किया है। मैंने पिछली बार कहा था कि जो क्रिया योग है इसके कई मीनिंग्स हैं। एक तो पतंजलि योग सूत्र में तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान इसको क्रिया योग कहा गया है और ये क्रिया योग योग के प्रारंभिक प्रिपरेशन के रूप में आवश्यक है। हमारे जीवन में ऑस्टेरिटी का भाव, तपस्या का भाव, हार्डशिप कठिनाई सहन करना, तितिक्षा का भाव होना चाहिए। दूसरा, सत साहित्य का अध्ययन करना चाहिए, फालतू का व्यर्थ का दिमाग खराब करने वाले साहित्य का नहीं अध्ययन करना चाहिए और तीसरा, भगवान पर शरणागति का भाव होना चाहिए। तो दीज आर द तीन चीजें, ये हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारे शरीर को, तप से शरीर, स्वाध्याय से बुद्धि और ईश्वर प्रणिधान से इमोशंस भावनाएं, इनको टोन अप करते हैं। ये है एक मीनिंग। दूसरा मीनिंग, ये जो योगदा सत्संग ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, परमहंस योगानंद जी जिस ऑर्गेनाइजेशन में है, एक लहरी मोशाय करके लहरी हो गए हैं अध्यक्ष बंगाल में, वो हैं उनकी परंपरा में, उनकी जो वो होता है उपदेश वगैरह वो जो देते हैं उसको भी क्रिया योग कहते हैं और वो इजोटेरिक है, उसमें क्या करते हैं ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन यहाँ पर जो क्रिया योग का वर्णन है वह है क्रिया अनुष्ठान कर्मकांड पूजा, जिसको हम अनुष्ठानिक पूजा कहते हैं। श्री राम कृष्ण की पूजा मंदिर में जो होती है वो कैसी होती है, क्या उसके पार्ट्स हैं, उसका यहाँ पर भगवान वर्णन करते हैं। उद्धव को समझाते हैं। उद्धव ने प्रश्न किया, उद्धव ने पूछा कि क्रिया योग का आश्रय लेके भक्तगण जिस प्रकार से उद्देश्य आपकी जिस उद्देश्य से आपकी पूजा अर्चना करते हैं उसको आप मुझे वर्णन कीजिए। और उसके बाद में भगवान उसका वर्णन करते हुए, हमने पिछली बार देखा था, हम 10 श्लोक तक यानी उसको हमने प्रारंभ किया था, उद्धव ने पूछा था, वो 5 श्लोक में उद्धव पूछते हैं उस चीज को और उसके बाद में हमने जो प्रारंभ किया था तो उसके 5 श्लोक हमने और पढ़े थे और उसमें भगवान ने जो बात कही थी, संक्षेप में रिपीट करता हूं मैं, और इस चैप्टर को हम रैपिडली कर जाएंगे, उसमें ज्यादा डिटेल्स में जाने की आवश्यकता नहीं है। जो बाकी जो है, जो तत्व की बातें थी, भक्ति की, ज्ञान की बातें थी, वैराग्य की बातें, इसके पहले वाला जो एल गीत था, पुरुरोवा का गीत था, उसका जो वैराग्य की बात थी, उसके पहले भिक्षु गीत था, बहुत महत्वपूर्ण थे, उसको हमने विस्तार से किया था, उसको अभी हम इनको विस्तार से नहीं करेंगे, रैपिडली पढ़ जाएंगे, क्योंकि जब आप करने लगेंगे, अगर यदि वास्तव में करना चाहें तो उसको पुनः सीखना पड़ेगा। यहां केवल पढ़ने से, यहां क्लास की चीज वो नहीं है, जब आप करने लगेंगे तो किसी से सीखना पड़ेगा उस चीज को और उसके बाद करना पड़ेगा पूजा कैसे करना, कौन सी चीज की आवश्यकता है, पूजा पद्धति, श्री राम कृष्ण की पूजा पद्धति, उसमें सारी बातें दिखी। तो वो क्या है, एक पुजारी से सीखना पड़ता है, अंग न्यास ऐसे करो, करना ऐसे करो, यह अमुक अर्घ ऐसे दो, आचमनीय ऐसे दो, पाद्य ऐसे दो, ऐसे जल दो, उसके बाद में कल्पना करो कि भगवान के अंग में जो मूर्ति है उसके अंग प्रत्यंग में कहां कहां पे कौन से अंगों को, कौन से वस्तुओं को बिठाना है, सारी कल्पना यहाँ पर जो दी गई है वो उसको करना पड़ता है। ये इसका उद्देश्य है, ये क्लास की चीज नहीं है सच पूछा जाए, इसलिए मैं उसको रैपिडली पढ़ रहा हूँ। हमारा हमको इसको खत्म करना है, हमने इसको नियम बनाया है कि इसको हम पढ़ेंगे, तो इसलिए हम पूरे पढ़ रहे हैं।
और बीच बीच में अगर कहीं आवश्यकता हो गई तो मैं उसको बताने का प्रयत्न करूंगा। तो कहते हैं भगवान उद्धव से न ही अंतो अनंत पारस्य कर्मकांडस्य, कहते हैं कि एक कर्मकांड का इतना विस्तार है कि कोई उसकी सीमा नहीं है। पंचोपचार पूजा, दशोपचार पूजा, षोडशोपचार पूजा, विशेष पूजा, बहुत सारी पूजाएं हैं, उसके कोई नहीं। फिर भी मैं, भगवान कहते हैं कि पूर्वापर एक क्रम पूर्वक मैं तुमको कुछ बताऊंगा। फिर कहते हैं कि तेरे तीन प्रकार की पूजा पद्धतियां हैं, वैदिक पूजा पद्धति है, तांत्रिक पूजा पद्धति है और एक मिक्स्ड पूजा पद्धति, जहां पर वैदिक मंत्रों का उपयोग करते हैं लेकिन तांत्रिक प्रकार से उसकी पूजा करते हैं, वो मिक्स्ड हो गया। और आजकल ये मिक्स्ड पूजा पद्धतियां काफी प्रचलित हो गई। तो जहां पर भी वैदिक अंश का मिक्सचर है वहां पर मैंने पिछली बार कहा था कि सन्यासी नहीं कर सकते। ये माना जाता है कि जब सन्यास हम लोगों का होता है तो ये विधि विधान हम लोग सब विसर्जित कर देते हैं, उसका अधिकार हमको नहीं रहता। सन्यास जब होता है तो शिखा सूत्र विसर्जन होता है। यह सूत्र है यानी यज्ञोपवीत है। जब ब्रह्मचर्य की दीक्षा होती है तो यज्ञोपवीत हमको दिया जाता है, गायत्री का हमको पाठ करना पड़ता है। मतलब हम द्विज हुए, उसके बाद में जब सन्यास होता है उस समय उसको लेके थोड़ा सा घी इत्यादि लगाकर मंत्र पढ़ के उसको विसर्जित करना पड़ता है। मतलब यह है कि अब आप द्विज नहीं, उसके ऊपर चले गए हो। द्विज जब होते थे, यहां पर आता है कि जो व्यक्ति पूजा करना चाहता है वो त्रैवर्णिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीन वर्णों वाले विधिवत अपने आश्रम के अनुसार वो लेंगे, अपने यज्ञोपवीत धारण करेंगे। किसी की 7-9 वर्ष की उम्र में, किसी की 10 वर्ष की, किसी की 11 वर्ष की उम्र में, जब भी आपका यज्ञोपवीत का अवसर आएगा तब करोगे। और उसके बाद में आप संध्या उपासना ये क्रियाकांड के अधिकारी बनेंगे। और जब आपने यज्ञोपवीत का विसर्जन कर दिया, आप अधिकार नहीं रहा। तो रामकृष्ण मिशन में जब दुर्गा पूजा इत्यादि होती है तो ब्रह्म सन्यासी उसके अधिकारी नहीं होते हैं, ब्रह्मचारी अधिकारी, क्योंकि उनको यज्ञोपवीत है, ब्राह्मण शरीर है। या फिर बेलूर मठ में कल मिशन में आने के बाद में ये जब ब्रह्मचारी हुआ तब यज्ञोपवीत हुआ, अब पूजा के अधिकारी आप हैं। तो हमारे ब्रह्मचारी, अभी ब्रह्मचारी विश्वनाथ जो हमारे पुजारी हैं, वो वहां जाएंगे अपने गुवाहाटी जा रहे हैं, वहां पर पूजा करेंगे। तो इस प्रकार से कहते हैं कि तीन प्रकार की विधियां हुई, तांत्रिक, वैदिक और मिश्रित। इन तीनों से जैसा अनुकूल जान सके उस प्रकार से मेरी पूजा करनी चाहिए। पहले अपने अधिकार अनुसार, जैसे कहा ना कि यदा स्व निगमोक्तेन द्विजत्वं प्राप्य पुरुषः यथा यदेतमान भक्त्या श्रद्धा तन्मे। पहले आप द्विजत्व को प्राप्त करो, यानी वही यज्ञोपवीत प्राप्त करो, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो भी हो उसके अनुसार उस उम्र में इसको प्राप्त करो, उसके बाद प्राप्त करो। अच्छा, उसके बाद में अर्चायाम, अब पूजा कहाँ पे करना है? कहते हैं कि पूजा स्वगुरुम अमायया भक्ति युक्त तो अर्चेत। पहले ये कंडीशन बताया कि मुझे, मुझ भगवान को, मैं भगवान आपका गुरु रूप, भगवान ही मानो गुरु हैं, उनकी पूजा अमायया निष्कपट भाव से करेगा, छल नहीं होगा, दिखाने के लिए नहीं करेगा। पूजा कर रहा है लेकिन मन ही मन छल है, ऐसा नहीं करेगा। छल रहित तो होकर कैसे करेगा, कहां कहां करेगा? मूर्ति में, यज्ञ वेदी में, अग्नि में, सूर्य में, जल में, हृदय में अथवा ब्राह्मण में। ये 7 हुए भगवान के प्रतीक, दे आर द सिंबल्स ऑफ गॉड, जिसके अंदर भगवान की हम आराधना करें। मूर्ति की आराधना सबसे प्रचलित है, अग्नि की आराधना होती है, यज्ञ वेदी में आराधना पहले हुआ करती थी, अब तो यज्ञ नहीं रहे, ब्राह्मण में, फिर कहते हैं सूर्य में, सूर्य को अर्घ्य इत्यादि देते हैं, जल में, गंगा जी में आप पूजा करते हैं, हृदय में मानसिक पूजा होती है। और एक ब्राह्मण देवता आपके घर में आए हैं उसको भगवान समझकर उनकी पूजा करना। तो ये 7 प्रकार की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्रकार के प्रतीक हैं जिनमें भगवान की पूजा की जा सकती है।
अच्छा, उसको क्या करेगा, पहले स्नान कर लेगा, मुंह हाथ धो लेगा, धोत दंतः अंग शुद्धये उभयरपि च स्नानम मंत्रे मृत ग्रहण आदि भी। उसके बाद शरीर शुद्धि कैसे होगी, मुंह धोने के बाद, स्नान करने के बाद होगी। और उसके बाद में पहले मिट्टी लगाया करते थे, आजकल साबुन से धो लिया, और फिर मंत्रों के द्वारा चित्त शुद्धि होती है। स्नान करते समय मंत्रोच्चारण करना पड़ता है, जैसा मैंने पिछली बार कहा था कि जो सहस्त्र शीर्षा पुरुष पुरुष सूक्त है वह स्नान का है, उससे मूर्ति की या शिवलिंग की पूजा जब स्नान किया जाता है, सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्र सहस्त्रपाद इत्यादि करते हैं, उससे हम अपना शरीर जब हम स्नान करें तब उसका उच्चारण किया जा सकता है। फिर कहते हैं उसके बाद वेदोक्त संध्या वंदनादि नित्य कर्म करना चाहिए। वेदोक्त संध्या इत्यादि जो है वेदेन च, और वह जो वेद का जो वेदोक्त है, ये उस भगवान ने ही मानो वेदों का विधान किया है, उसमें जैसा कहा गया है संध्या वंदन आदि वैसा करिए। उसके बाद में संकल्प सम्यक संकल्प कर्म पावनीम पूताम पूजाम ते संकल्प, ये संकल्प करके पूजा करनी चाहिए। हम लोग जो ये हमारे ब्रह्मचारी जब पूजा करते हैं, प्रारंभ करते हैं, पहले अंग न्यास कर न्यास करते हैं, उसके बाद में संकल्प करते हैं। आप लोगों ने यहाँ भी देखा होगा एक वो कोशिका रहती है, जो छोटा बड़ा कोश होता है कोशिका, उसके अंदर एक दुर्वा घास, एक बिल्व पत्र, कुछ अक्षत चावल इत्यादि लेकर वो संकल्प करते हैं कि मैं पूजा करूंगा, एक वीरासन की पोजीशन में बैठकर संकल्प करते हैं। मतलब संकल्प का अर्थ है कि आई वॉन्ट टू डू इट। ये व्रत और संकल्पों का अपना महत्व रहता। मुझे याद है मेरी माताजी, मैं जब बच्चा था तो कुछ व्रत किया करती थी, तो व्रत करती थी कि मैं उपवास का दिन का उपवास करूंगी। तब वो उपवास तो हम मैं भी और आप भी कर सकते हैं, मैंने मन ही मन कर लिया कि मैं आज उपवास करूंगा। अब रात शाम के समय रात को 8 बजे भूख लगी, खूब जोर की भूख लगी, तब क्या किया, अरे छोड़ यार नहीं हो रहा है खा ली, हमने संकल्प नहीं किया। कहते हैं बिना संकल्प के उस तपस्या का फल नहीं मिलता, पर बात ठीक ही है। संकल्प मन की दृढ़ता होती है, जो भी कर्म करना है उसको संकल्प के साथ करना पड़ता है। पूजा करें लेकिन उसके बाद पहले संकल्प बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो माँ क्या करती थी, माँ कहती थी मुझे बुलाती, अशोक तू आ तो हाँ ये किताब ले, तो किताब दे देती थी, या फिर माँ कुछ मेरे को हाथ में दे देती थी और कहती थी कि पढ़ तो जो लिखा है, और मैं समझता नहीं था वो संस्कृत में या पाली में कुछ होता था, वो पढ़ देती थी, पढ़ दिया, उसमें ये लिखा रहता था कि ये दिन भर में मैं संकल्प कर रही हूं कि मैं खाना नहीं खाऊंगी। नियम है कि किसी दूसरे व्यक्ति के सामने संकल्प करें, एक दूसरे व्यक्ति को उसका साक्षी बनाकर संकल्प करें। मैं तो कुछ समझता नहीं था, लेकिन मां के लिए हो गया कि मैंने किसी के सामने, एक व्यक्ति के सामने संकल्प किया। अब ये संकल्प किसी भी काम के लिए, अच्छे काम के लिए बहुत आवश्यक है। उनको आजकल के जमाने में ये चीज उठती चली जा रही है, लोग सब चीजें लाइटली ले रहे हैं। संकल्प करने से जो भी हम शुभ काम करने वाले हैं उसमें आस्था, दृढ़ता, श्रद्धा ये सब बन जाता है। ये कैरेक्टर के लिए, अपने जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं कि सम्यक दृढ़ संकल्प के साथ करके अगर इस प्रकार के कर्म करें, पूजा इत्यादि करें, तो वे कर्म पावन हो जाते हैं। पूजा कर्म पाविनी हो जाती है, हमारे कर्मों को, बंधनों को छुड़ाने वाली हो जाती है इस प्रकार की पूजा। सच पूछा जाए तो विल पावर तो बढ़ता ही है, इससे इच्छा शक्ति हमारी प्रबल होती है। उसके बाद में मूर्ति की पूजा का वर्णन करते हैं। यहाँ पे इतने प्रकार की है, बीच बीच में और भी करेंगे, सूर्य में कैसे करना, फलाने में कैसे करना, लेकिन कहते हैं कि 8 प्रकार की मूर्तियां होती हैं। वो कहते हैं शैली दारुमयी लोही लेह्या लेप्या लेख्या लेप्या लेख्या च सैकती
मनोमयी मणिमयी प्रतिमा अष्टविधा, आठ प्रकार की मूर्तियां। एक तो है पत्थर की, पत्थर की मूर्ति इज कॉम्प्लेक्स्ट, लकड़ी की दारूमयी। हम नेपाल में गए तो वहां पे लकड़ी की मूर्तियां देखी, बड़ी अच्छी अच्छी मूर्ति, इतनी सुंदर मूर्तियां थी बस। और ये जो अपने जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी की मूर्ति है, वो तो दारूमयी है, लकड़ी की है, वो हर साल या कुछ सालों बाद में वो फिर से बनाते हैं उसको, वो लकड़ी की मूर्ति है। फिर धातु की मूर्ति, अष्ट धातु की मूर्तियां, बालक राम की मूर्ति वगैरह, छोटी छोटी मूर्तियां हैं, श्री कृष्ण की अष्ट धातु की मूर्तियां होती हैं। मिट्टी की मूर्ति, मिट्टी की मूर्तियां होती हैं, ये जो दुर्गा पूजा होता है तब क्या होता है, घास और मिट्टी को मिला के बनाते हैं। चंदन की होती है चित्र, पिक्चर। बालू का मई, बालू की भी मूर्तियां होती हैं, बालू की मूर्ति का दृष्टांत जो रामेश्वर शिव है ना, रामेश्वर शिव है, वो पत्थर के शिव नहीं है, वो बालू के शिव है, इसलिए उसके ऊपर आप उनके जो ढकने के ढककर उसके बाद में उसके ऊपर जल से अभिषेक इत्यादि होता है, नहीं तो वो खत्म हो जाए। माँ शारदा जब गई थी तो उसका जो अभिषेक का पोर्शन था उसको हटा के दर्शन कराया था माँ, और माँ ने उसके ऊपर सोने के बेलपत्र चढ़ाए, और माँ ने देखकर कहा था, माँ शारदा ने, कि जैसा रख गई वैसा ही देखी हूं, बाद में कहा था, यानी सीता जी के अवतार में जैसा मैंने उसे देखा था वैसा ही है। ये रामेश्वर की पूजा भगवान राम ने की थी वहां पर, जब सेतु बंध के पहले रामेश्वर शिव जी की पूजा तो क्या किया था, बालू का ही शिवलिंग बनाकर उन्होंने उसकी पूजा की, वही बना हुआ। तो बालू की भी हो सकती है, मणिमयी मणि से भी बनी हुई हो सकती, मैं नहीं कह सकता उसका दृष्टांत, वैसे बहुत सारी मूर्तियां उस पर मणि जड़ दी गई है बहुत सारी, जैसे आपके तिरुपति बालाजी, तो वो बालाजी तो यहां ऊपर से नीचे तक मणियां मणि से भरे हुए, लेकिन केवल मणि की बनी हुई मूर्ति इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे सकता हूं। और मनोमयी यानी मन में ही भगवान की इमेजिनेशन कल्पना करना, ये मनोमयी मूर्ति हृदय। अब कहते हैं ये जो मूर्तियां हैं ये दो प्रकार की हो गई, कहते हैं चल अचल इति द्विविधा प्रतिष्ठा जीव मंदिरम उद्वाहा उद्वासावहने न स्तः स्थिरायाम उद्धवार्चने। कहते हैं उद्धव दो प्रकार की जो मूर्तियां हैं ये भी दो प्रकार की, चल मूर्ति और अचल मूर्ति। अब इसके दो दृष्टांत आपको बता दूं, एक तो जो शिवलिंग है जो बाणेश्वर शिव की पूजा होती है, शालिग्राम मूर्ति, शालिग्राम का जो लिंग है वो भी चल है, तो यहां पूजा करते हैं, लाए पूजा किया उसके बाद में पुजारी ले जाके अंदर रख देता है, शालिग्राम मूर्ति भी जो है उसकी पूजा हो इसके बाद उसको इधर उधर उठाया जा सकता है, तो ये तो चल हो गया। और दक्षिण भारत में परंपरा है एक दो प्रकार के विग्रह होते हैं, एक चल विग्रह होता है और एक अचल विग्रह होता है। तो रामेश्वर में जैसे जाएंगे तो रामेश्वर शिव एक तो अंदर हैं मूर्ति में प्रतिष्ठित, और दूसरे होते हैं वो स्पेशल ओकेजन के ऊपर वो निकलते हैं, वो बाहर निकल के सारे जगह पे घूमेंगे, इधर उधर घूमेंगे, पूरे बाजार में लोग उनको देख दर्शन कर सकते हैं, बाहर दर्शन मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं। तो दो प्रकार के चल अचल हो गए। जो अचल है यहां कहते हैं कि जो अचल प्रतिमा में जब प्रतिष्ठा की जाती है तब उनको प्राण संचार होता है, जैसे बेलूर मठ में जो मूर्ति प्रतिष्ठित है मंदिर में, या तिरुपति बालाजी की मूर्ति है, वहां पर प्रारंभ में जब प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति बनाई गई, वो मंदिर का जब इनॉग्रेशन होता है तब उस मंदिर को उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा एक रिचुअलिस्टिकली ये मान लिया जाता है कि इसके अंदर प्राण, अब ये जीवित जागृत हो गए,
अब उसको सुबह शाम खाना खिलाना है, कपड़े बदलना है, स्नान करना है, लेकिन अब प्राण प्रतिष्ठा प्रतिदिन करने की आवश्यकता नहीं। दूसरे हैं बाणेश्वर शिव। बाणेश्वर शिव मैंने जो कहा, बाणेश्वर शिव क्या है, जो नर्मदा के अंदर जो पत्थर पड़े रहते हैं। मैंने कहा था कि बाणेश्वर जो थे भगवान शंकर के बहुत बड़े बाणेश्वर, ये बाणासुर असुर थे, लेकिन उसके 1000 हाथ थे। तो 1000 हाथ से प्रतिदिन मतलब 500 शिवलिंग में बनाता था, मिट्टी के बना के प्रतिदिन उसकी पूजा करता था, और पूजा करने के बाद उनको वो प्रतिदिन उसको नर्मदा में विसर्जित कर देता था। इसलिए हुआ कि जितने नर्मदा के जितने पत्थर, सबके सब शिव शंकर। तो हम जानते हैं, अभी हम गया था नर्मदा, ओंकार शिव ने था, तो निकले थे एक दिन, अच्छा ढूंढ के लाए कोई अच्छा पत्थर वहां से ले आएंगे, और जाते हैं वो सर नदी में नर्मदा के अंदर ऐसा कर करके देखते हैं जो अच्छा मिल जाए, गोल साइज का हो जाए, बिल्कुल बढ़िया हो, उसको ले आते हैं और उसको प्रतिष्ठित कर देते हैं। उसके लिए प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं, क्यों, वो बाणेश्वर ने तो पहले कर ही दिया, बाणासुर ने पहले प्राण प्रतिष्ठा कर ही दिया है, अब उसको प्रतिष्ठा की आवश्यकता। इसके अतिरिक्त जितने भी बाणेश्वर न हुए उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता। लेकिन जो चल अचल प्रतिमा है, एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो गई उसके बाद उसमें प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं। मैंने कहानी सुनाई थी आप लोगों को, जो लोग यहां पे हो, बनारस की। बनारस में जो हमारा दो आश्रम है, एक सेवाश्रम है और एक अद्वैत आश्रम। जो सेवाश्रम है उसके अंदर जो रोगी है वही नारायण, जो रोगी है उसकी सेवा जो हो रही है वही भगवान की पूजा है। और जो अद्वैत आश्रम है उससे बिल्कुल सटा हुआ दूसरा आश्रम है, वहां पर एक मंदिर है, वहां पर श्री राम कृष्ण की एक मूर्ति है, रेगुलर मंत्री वहां पूजा इत्यादि होती है। और यह जो मूर्ति है उसकी एक कहानी, बनारस में जो अद्वैत आश्रम में मूर्ति है उसकी कहानी मैंने कुछ लोगों को, जो लोग रेगुलरली आते हैं अपने दर्शन जी, आपको तो बताई थी, सुना होगा। तो उसमें यह हुआ था कि यह मूर्ति सबसे पहले बेलूर मठ के लिए बनाई गई, सबसे पहली मूर्ति है श्री राम कृष्ण। और जब बनाया तो दुर्भाग्य ये हुआ कि जो मार्बल काटा गया तो सफेद मार्बल का ब्लॉक उसमें से बनाया था, सफेद अपने संगमरमर का पत्थर का जो पूरा है, जब अंदर खोल देखा गया दिखता तो बिल्कुल सफेद था, उसमें कोई दाग नहीं दिख रहा था। जब उसको तराशा गया तो चेहरे के ऊपर एक काला दाग आ गया। अब क्या करें, तो ये मूर्ति रिजेक्ट हो गई, अब ये काम की नहीं आएगी। बेलूर बनारस में उस समय मंदिर बन रहा था, उन्होंने कहा आप ये मूर्ति हमको दे दीजिए। वो मूर्ति को रख दिया और उसको पुताई कर दिया। अगर आप बनारस जाएं, जो लोग बनारस गए हैं, वाराणसी सेवाश्रम में जाएं, अद्वैत आश्रम में, देखेंगे कि वो है तो संगमरमर की मूर्ति, लेकिन सारी मूर्ति पुती हुई है। अब वो रिजेक्टेड मूर्ति है, पुती हुई मूर्ति है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। वहां प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई लेकिन रेगुलर पूजा होती है। और इतने वर्षों तक, 40-50 वर्षों तक पूजा होते होते मैं समझता हूं कि उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। अब आप जाते हैं तो आपको लगता है कि यहां पर भगवान श्री राम कृष्ण हैं। प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ यह है कि उसके बाद में हमें लगे कि यहां इसके अंदर भगवान विराजमान, यह अनुभव वहां पर होता है। जो हो, लेकिन स्पिरिचुअलिस्टिकली अपने जिसे कहते हैं क्रियाकांड की दृष्टि से उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा तो हुई नहीं। अब एक बार क्या हुआ कि वहां पर उसके पीछे जो पर्दे इत्यादि लगे रहते हैं उसमें आग लग गई। अब बड़ा मुश्किल होगा, आप बहुत जोर से आग लग गई, सब पर्दे वर्दे जल गए, अब क्या करें। बेलूर मठ से पूछा गया, उन्होंने कहा अरे अगर इसमें प्राण प्रतिष्ठा होती तो बड़ी मुश्किल होती। क्यों, प्राण प्रतिष्ठा यानी भगवान साक्षात विराजमान। अब भगवान विराजमान है, उनके प्राण वहां पर है और आग लग गई, मतलब जल गए, अब क्या करना है, पुनः प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती। लकीली उस मूर्ति में तो प्राण प्रतिष्ठा कभी हुई नहीं, इसलिए यह प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा करो, वो अच्छी तरह उसको मूर्ति को सब चीजें धो डालो, साफ कर लो, मूर्ति को अच्छी तरह सब जो फिर से पुताई कर दो, क्योंकि मैंने कहा ना पेंटेड मूर्ति है,
पुताई कर दो और अच्छा एक पूजा कर दो, स्पेशल पूजा, षोडशोपचार पूजा करके भंडारा कर दो, बस और कुछ कर नहीं। तो मैं कह रहा था कि इस प्रकार से जो चल प्रतिष्ठा अचल होती हैं, जो एस्टेब्लिश्ड हैं, वो प्राण प्रतिष्ठा है, उनको प्रतिदिन आवाहन करना, प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो चल मूर्तियां हैं, जो बाणेश्वर शिव को छोड़कर बाकी जो मूर्तियां हैं, राम श्री कृष्ण की छोटी मूर्ति है, विग्रह है, उनमें अगर प्रतिदिन प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, भगवान का आवाहन करना पड़ता है, आओ प्रभु, और सोचना पड़ता है कि इसमें यहाँ पर आ गए भगवान, उसके बाद उसको विसर्जन करना पड़ता है प्राण का इत्यादि। आप लोग जानते हैं, पता नहीं जानते कि नहीं, अभी दुर्गा पूजा जब आएगी तो 3 दिन वो जो मूर्ति रहेगी, तो पहले आवाहन करता रहे, प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, उसे सोचना पड़ता है कि उसमें माँ दुर्गा आ गई है। उसके बाद में अंत में 3रे दिन उसका रिचुअलिस्टिकली विसर्जन होता है। क्या होता है, वो पुजारी प्रार्थना करता है और ये सोचता है कि जो प्राण इसके अंदर थे, वो एक पुष्प लेता है, वो पुष्प दिखाकर उसको यहाँ पर लाकर और उसको सूंघता है, और सूंघता है मतलब यह कि माँ जगदम्बा के भीतर जो प्राण था, वो मैंने प्राण हमारे भीतर लिया, अब वे प्राणहीन हो गई, वह मिट्टी की मूर्ति हो गई। पहले क्या थी, पहले मिट्टी की मूर्ति थी, और जब पुजारी ने प्रारंभ किया था पूजा, तब क्या किया था, वो एक फूल को अपने हाथ में इस प्रकार से लिया था, एक पर्टिकुलर मुद्रा से, और यहां पर लाया और उसके अंदर उसने अपने नाक से सांस को फूंक दिया। एक्चुअली वो सांस उसके अंदर एक्सहेल कर देता है, निश्वास कर देता है, उसमें सोचता है कि यस प्राण जो है उसमें आ गया है, मेरा प्राण इस फूल में आ गया है। उसके बाद में वो उसको माँ जगदम्बा की मूर्ति के चरणों पर रखता है और कल्पना करता है कि वो प्राण उसके अंदर चला गया। उस समय से उसके बाद 3 दिन तक उसमें प्राण रहता है, वो खाना माँ को कपड़ा दिया जाता है, उसको रिचुअल स्नान कराया जाता है, सुबह शाम उनको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट देते हैं, दिन को भोग देते हैं, शाम को उनकी आरती होती है, उसके बाद भोग देते हैं, जैसे घर में कोई व्यक्ति आया तब 3 दिन तक होता रहता है। माँ जगदम्बा को 3 दिन तक रखते हैं वहां पर, बड़ा आनंद होता है, सोचते हैं कि माँ आई है, माँ आई, और आप जाइए तो वहां पर लगता है उसकी मूर्ति को देख के कि सचमुच यहाँ पर है भगवान, माँ जगदम्बा यहाँ पर सचमुच विराजमान। 3रे दिन के बाद, 3 दिन के बाद में जब वो सप्तमी अष्टमी नवमी 3 दिन पूजा होती है, अब उसके बाद में 10वें के दिन विजयादशमी के दिन पुजारी फिर वो करता है, और उसके बाद में एक पानी का बर्तन, उसमें एक कांच मिरर लगा देते हैं, और उसके बाद में वो जल विसर्जन कहते हैं उसको। वो क्या, उसकी मूर्ति को, माँ के चरणों को हम यहां से देखते हैं, यानी रिफ्लेक्शन देखते हैं, माँ के चरणों का रिफ्लेक्शन। ये प्रतीक है किस चीज का, ये विसर्जन हुआ माँ का, किसमें, जल में। ये जल क्या है, जल सरोवर या सागर क्या है, यह हमारे हृदय या मन का प्रतीक। स्वामी विवेकानंद कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोध, इस पर व्याख्या करते हुए कहते हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध को योग कहते हैं। वृत्तियां यानी क्या है, थॉट वेव्स, वृत्तियां यानी लहरें हैं हमारे मन पर, मन रूपी सरोवर पर लहरें हैं। ये मन को सरोवर माना गया है या जल माना गया है, और ये जब विसर्जन किया जाता है, इसका मतलब है कि यह विसर्जन किस में हुआ है, हमारे हृदय में। मतलब भगवान का विसर्जन, माँ जगदम्बा का विसर्जन मेरे हृदय में है, अब मैं यहीं रहेंगी वे। उसके बाद वो प्राणहीन हो गई, उसके बाद में उठा के उसके बाद में जाके गंगा में फेंक देते हैं, वो सलिल जल विसर्जन 3रा हो गया। 3 प्रकार के विसर्जन, एक तो पुष्प को सूंघ कर प्राण को अपने भीतर वापस ले लिया, दूसरा हृदय में विसर्जन हृदय रूपी सरोवर में, और 3रा उस मूर्ति को जो घास और मिट्टी की बनी हुई, उसको गंगा में या किसी तालाब में जाके डाल। तो ये कह रहे हैं कि जो अचल मूर्ति है उसमें आवाहन विसर्जन की आवश्यकता नहीं होती, जो चल मूर्ति है उनके लिए आवाहन विसर्जन की आवश्यकता होती है। प्रतिदिन आवाहन विसर्जन नहीं करना पड़ता। चल प्रतिमा में के संबंध में विकल्प है, देयर इज ए अल्टरनेटिव, क्या है, चाहे तो करे नहीं तो न करे, जो मैंने कहा जो वो है अपने
शालिग्राम उसमें ये आवाहन विसर्जन नहीं, लेकिन दुर्गा पूजा में आह्वान विसर्जन है। उसके बाद पलुंग बालुकामयी प्रतिमा में तो आवाहन विसर्जन प्रतिदिन करना ही चाहिए, संभवतः यह रामेश्वर में होता हो क्योंकि वह बालिका मूर्ति है। मिट्टी और चंदन की तथा चित्रमयी प्रतिमा को स्नान नहीं कराते, मिट्टी के ऊपर इधर डालेंगे गंगा, वो दुर्गा पूजा में दुर्गा की मूर्ति के ऊपर नहीं करते हैं। मायिनः भक्तस्य च यथा लब्धे रीति भावेन चैव हि। उसके बाद कहते हैं प्रसिद्ध प्रसिद्ध पदार्थों से प्रतिमा आदि में मेरी पूजा की जाती है, परंतु जो निष्काम भक्त है वह अनायास प्राप्त पदार्थों से और भावना मात्र से ही हृदय में मेरी पूजा करे। अब उसके लिए है बहुत सारी चीजें, तो पांच तो है, जल है, उसके बाद में थोड़ा अन्न है, दीप धूप दीप नैवेद्य इत्यादि होते हैं, उसके बाद में कोई वस्त्र देना चाहता है, कुछ आभूषण देना चाहता है, इन सब के द्वारा पूजा। पूजा का अर्थ है भगवान को हम प्रसन्न करना चाहते हैं। कोई गेस्ट आया आपके यहाँ पे, आपने उसको पानी दिया खाने को, कपड़े पैर धोने के लिए पानी दिया, जल पीने के लिए दिया, कुछ ब्रेकफास्ट दिया, कपड़ा दिया, उसकी आरती की। इस प्रकार से जिस प्रकार कोई व्यक्ति आवे तो उसकी हम सेवा अर्चना करते हैं, उसी प्रकार भगवान की अर्चना करते हैं, ये भाव। तो जो अगर जिसके पास धनी है तो बहुत सारी चीजों के साथ करेगा, लेकिन अगर नहीं हो तो निष्काम भक्त जो है वो श्रद्धा से करना चाहता है, जो भी चीजें मिल गई विदाउट डिफिकल्टी, बिना किसी प्रयत्न के, बिना कठिनाई के, गरीब है तो क्या करेगा, बहुत सारी चीजों से तो पूजा नहीं कर सकता, वो सब कर ले, उससे क्या करें, हृदय में ही, हृदय भावना मात्र से, भावेन यथा लब्धै ही, जो जिस प्रकार से वस्तुएं मिल गई उसी के अनुसार मेरी पूजा करें। फिर कहते हैं स्नान स्नान अलंकरणम प्रेष्टम अर्चायाम एव तुद्भव स्टंडिले तत्व विन्यासो बहुआवाज्य प्लुतम हविहि। अब कहते हैं अलग अलग प्रकार की प्रतिमा को क्या स्नान वस्त्र आभूषण आदि पाषाण अथवा धातु की प्रतिमा में के पूजन में ही उपयोगी हैं। स्नान आप एक और पत्थर की होगी तो स्नान करा सकते हो, शिवलिंग के ऊपर करा सकते हो। उसके बाद आभूषण, आप गंगा बनारस में अगर जावे तो शिव जी की जो संध्या आरती है ना उसको देखने जाइएगा, संध्या आरती और प्रातःकाल की आरती, खास करके जो प्रातःकाल की आरती उसमें जाइएगा, तो उसमें स्नान करते हैं जल से, उसके बाद में दूध से, उसके बाद में दही से, उसके बाद में मधु से, उसके बाद में ये तो है ही, ये तो सब आइटम्स हैं। उसके बाद में उस शिवलिंग के ऊपर अलंकार आभूषण वस्त्र लगते हैं, बड़ा सुंदर उसके ऊपर एक अपने सोने चांदी का वो सर्प इत्यादि करते हैं, तो ये क्या हुआ आभूषण। आभूषण और भी देखिए, दूसरे भी जो मंदिर में मूर्तियां वगैरह हैं खूब अच्छी तरह सजाते हैं वस्त्र आदि से, पाषाण अथवा धातु की प्रतिमा में के लिए पूजा वो है धातु की। बालुकामयी मूर्ति या मिट्टी की वेदी में पूजा करनी हो तो उसमें मंत्र के द्वारा अंग और उसके प्रधान देवताओं की यथास्थान पूजा करनी चाहिए। वहां पर ये सब बालू की और मिट्टी की, इसमें ये सब की आवश्यकता है। मिट्टी की वेदी में, अगर वेदी जैसा कहा ना यज्ञ वेदी इत्यादि, उसमें ये सब चीजों की आवश्यकता नहीं, यथा जहां पर जैसा है उसका नियम बताया गया। फिर कहते हैं अग्नि में पूजा करनी हो तो वहां कपड़ा थोड़ी देंगे, अग्नि के अंदर हवि घी, घी से उसकी हवन की सामग्री, और बाद में आजकल हविन का कुछ एक मसाला भी मिलता है उससे आप पूजा कीजिए, आवश्यक से करना चाहिए। अच्छा, सूर्य, सूर्य को प्रतीक मानकर करने वाली उपमा से अर्घ्यधान और उपस्थान ही प्रिय हैं, और जल तर्पण, सूर्य को जल तर्पण, अर्घ्य, अर्घ्य जो से मैंने कहा एक बिल्व पत्र, उसके ऊपर एक कुश और उस पर अक्षत चावल, ये हुआ अर्घ्य, और एक पुष्प, ये एक अर्घ्य है भगवान शिव को, वो हम ऐसे ऑफर कर देते हैं। मन से ऑफर वहां तक पहुंचेगा नहीं,
भगवान शिव शिव सूर्य है उसको स्वीकार करते हैं, या फिर जल दिया जाता है। जब मुझे कोई भक्ति भक्त हार्दिक श्रद्धा से जल भी चढ़ाता है तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। श्रद्धयोपवृतम प्रेष्टम भक्तेन मम वारी अपि, वारी यानी जल भी अगर कोई देवे तो मैं स्वीकार करता हूँ, भगवान इस बात को कहते हैं। और उसके बाद में बाकी गंध धूप सुमन दीप अन्न आदि तो की बात ही क्या। अगर धूप धूप जलाया, अगरबत्ती जलाई, दीपक जलाया, अन्न ऑफर किया, दीप करा, पुष्प अगर जलाया तो मैं उसको तो प्रश्न ही क्या उठता। भगवान गीता में कहते हैं ना, फलम पुष्पम जलम तोयम, जो भी है फल पुष्प जो कुछ भी मुझे, पत्रम पुष्पम जलम तोयम, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल पानी जो भी मुझे भक्ति से दे देता है मैं उसको स्वीकार करता हूं। लेकिन भूरी अपि अभक्त उपहृतम न मे तोषाय कल्पते, और बहुत सारी पूजा की, बहुत सारा आडंबर किया, वस्त्र दिया, सोना दिया, लेकिन भक्ति नहीं है तो मैं नहीं स्वीकार। भगवान इस बात को कहते हैं, यह अंडरस्टैंडेबल है। उसके बाद उपासक पहले पूजा की सामग्री कर ले, शुचि संभृत संभार प्राग दर्भय कल्पितमासन कल्पितासन आसीनं प्राग उदक वा अर्चेद अर्चायाम अथ सम्मुख। उसके बाद क्या करेगा, पहले जो भी ऑब्जेक्ट्स एंड आइटम्स ऑफ है, जितने भी उपकरण हैं पूजा के, ये जल चढ़ाना है, फूल चढ़ाना है, पुष्प चढ़ाना है या वस्त्र चढ़ाना है, इसको सबको इकट्ठा करके रख ले। पहले उसको इकट्ठा कर ले और क्या करेगा, एक कुशासन बनाएगा, दर्भ यानी कुशासन। कुशासन कैसे रखना, आप लोगों ने देखा है कि नहीं, यहाँ पे कुशासन मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, कुश के आसन होते हैं। वो कुशासन का एडवांटेज ये है कि उसके अंदर कीड़े नहीं लगते, बाकी उसके अंदर कीड़े लग सकते हैं, कुश के अंदर कीड़े नहीं लगते हैं। कुशासन प्रसिद्ध है, भगवान गीता में भी कहते हैं कि पहले कुशासन होगा, उसके ऊपर चमड़ा होगा ये मृग चर्म, और उसके ऊपर रेशम, ऐसा करके आसन बनावे। तो वो कुश को कहाँ कैसे रखना, उसका जो अग्र पोर्शन है उसको इस प्रकार बचाए, अग्र पोर्शन अग्री उत्तर की तरफ रहे, अब पूर्व की तरह है। कुशासन जो लगाते हैं तो जो उसका खुला हुआ अंश होता है कुश का, वो पूर्व की तरफ रहे, और उस पर बैठकर किस तरफ मुंह करके पूजा करना। तो कहते हैं कि पूर्व या उत्तर दिशा में बैठकर पूजा की जाती, नहीं तो अगर मूर्ति है या चित्र है तो उसके सामने बैठ जाए। जैसे मुसलमान लोग काबा की तरफ मुंह करके सब नमाज पढ़ते हैं, तो यहां का इंडिया भारत वाला जो है वो मुसलमान कहां करेगा, पश्चिम की ओर मुंह करेगा, क्योंकि काबा है पश्चिम, उत्तर पश्चिम में। लेकिन अगर अमेरिका वाला करेगा कहां करेगा, पूर्व की तरफ करेगा, क्योंकि वहां से काबा पूर्व की तरफ पड़ता है। लेकिन यहां पर हमारे यहां कहा उत्तर या पूर्व की ओर मुंह करके पूजा के लिए बैठे, या अगर मूर्ति है तो उसके सामने, मूर्ति या चित्र है उसके सामने बैठे। अच्छा, उसके बाद में कृतन्यास कृतन्यास मदर्चाम पाणिना अमृजे आमृजेत कलशम प्रोक्षणीयम च यथावत उपसाधे। उसके बाद में विधि पूर्वक अंगन्यास और करन्यास करे। ये अंगन्यास और करन्यास क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कई बार आता है, अंगन्यास और कृतन्यास क्या करेंगे, उसके हमारे जितने अंग हैं, हमारे जितने पार से उंगलियां हैं और हाथ हैं, जोड़ हैं, पैर हैं, ये कल्पना की जाती है कि एक अम कम ठम ठम स्वंग लंग लंग टंग, ये जो अल्फाबेट्स हैं वो उसको उच्चारण करते हुए ये कल्पना कर सकते हैं, करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर वो देवता स्वयं। उद्देश्य क्या है, बहुत साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बहुत अच्छी टेक्निक है,
देवो भूत्वा देवम यजेत, देव बनकर देवता की पूजा करो। तो हम स्वयं को देवता समझते हैं, स्वयं देवता बनकर देवता की पूजा। उद्देश्य अल्टीमेटली वेदांत में तो यही है ना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तो ये कैसे हो सकता है। उसी को तांत्रिक प्रोसेस के अंदर करन्यास और अंगन्यास के माध्यम से किया जाता है। ये कल्पना करना है कि सारे शरीर के हरे करे अंग में देवता के अंग को बिठा दिया, और फिर कहते हैं मंत्रों को जो शरीर जो देवता है उसके अंदर भी उसको मूर्ति को देवत्व की संज्ञा देने के लिए उसमें भी जो मंत्र है ये यम कम टम टम वो सब जो है देवता के विभिन्न अंगों में बिठा दें। इसको कहते हैं अंगन्यास और करन्यास। उसके बाद उसको करने के बाद में उसको साफ कीजिए, उसके बाद में हाथ से प्रतिमा पर सामग्री को हटाकर, पहले जब पूजा हुई थी शाम को हुई थी रात को हुई थी, फूल रखा हुआ था उसको सब हटा के उसको कपड़े से पूजा को साफ कर दीजिए। उसके बाद में जल में जो भरा हुआ कलश में जो जल से भरा हुआ कलश है उस आदि की पूजा करें, जो जल भरा हुआ है उसकी पूजा करके उसको पवित्र करें। इसके बाद में कहते हैं तदद्धिर देव यजनम द्रव्याणि आत्मनि आत्मानम एवच प्रोक्ष पात्राणि त्रीणि इत्यादि कहते हैं। क्या कहते हैं कि पात्र में प्रोक्षण पात्र यानी जिस जल से आप पानी डालते हैं उसमें जल से भरे हुए, अच्छा उसमें पूजा प्रोक्षण पात्र के जल से पूजा सामग्री और अपने ऊपर प्रोक्षण यानी जो स्प्रिंकलिंग पानी जो है उससे अपने ऊपर सबके वस्तुओं के ऊपर स्प्रिंकल करते और करकर ये कल्पना करना है कि यह सब पवित्र हो गया। उद्देश्य है कि उसको कल्पना की जाए कि वह पवित्र हो जाएगा। उसके बाद पाद्य अर्घ्य और आचमन के लिए तीन पात्रों में कलश में से जल भरकर रखे और उनमें पूजा पद्धति के अनुसार सामग्री डाले। अब क्या कहे, तीन पात्र में अलग अलग जल रखें। कौन से तीन पात्र हैं? पाद्य, पाद्य यानी जो पानी, जिस पानी से पैर धोएंगे भगवान के। अब व्यक्ति आए हैं हमारे पास उसे पानी धोएंगे पैर, उसके पानी पानी पैर धोने के लिए पानी अलग है, पीने के लिए पानी अलग है, स्नान करने के लिए पानी अलग है। तो पैर धोने के लिए, पीने के लिए ऑफरिंग के लिए और मुंह धोने के लिए, इसके लिए तीन पाद्य अर्घ्य और आचमन करने के लिए। अब आचमन मुंह धो लीजिए, आप आए हैं मुंह धो लीजिए, पैर धोने के लिए, इन तीनों के लिए तीन प्रकार के जल, तीन के प्रकार के वस्त्र रखे और उसमें अलग अलग मंत्र हैं, जैसे नमः फॉर हृदय के लिए, स्वाहा सिर पे और वशट सिर के ऊपर इत्यादि करके गायत्री के साथ में उसका पाठ करें। खैर अब मैंने कहा ना कि अब इसके बाद में डिटेल्स बताए जा रहे हैं, उसको हम रैपिडली पढ़ जाते हैं। उसके बाद उसके अंदर कुछ कुछ चीजें भी डालनी पड़ती हैं। फिर कहते हैं कि जो पाद्य है जिसमें जल पैर धोने के लिए है उसके अंदर कुछ वस्तुएं डालिए, आचमन के लिए जायफल डालिए। इसके बाद पूजा करने वाले को चाहिए कि तीनों पात्रों को क्रमशः हृदय मंत्र, शिरो मंत्र, शिखा मंत्र से अभिमित्र करके, जो कहा ना नमः स्वाहा स्वधा वशट, ये तीन मंत्र अलग अलग मंत्र से उसको अभिमंत्रित करके अंत में गायत्री मंत्र से तीनों का आमंत्रण करें। ये हो गया अब मंत्र है। इसके बाद प्राणायाम के द्वारा, प्राणवायु और भावनाओं के द्वारा शरीर तथा अग्नि को के शुद्ध हो जाने पर हृदय कमल में परम सूक्ष्म और श्रेष्ठ दीपक शिपाक्षिका के समान मेरी जीव कला का ध्यान करे। बड़े बड़े ऋषि मुनि ओंकार के अकार उकार मकार बिंदु और नाद इन पांच कलाओं के अंत में उसी जीव कला का ध्यान करते हैं। अब आगे आगे चलते हैं। अब कहते हैं
ये हुआ कुछ फिजिकल एस्पेक्ट बाह्य। अब पूजा का जो मुख्य अंग है कल्पना, मन में क्या प्रोसेस हो रही है उसको यहां पे बताने का प्रयत्न। उसके साथ में बाहर भी क्रियाएं होती जाएंगी, लेकिन मानसिक क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। वहां पर क्या कहते हैं कि अपने शरीर को और प्राणायाम किया, प्राणायाम के द्वारा प्राण को पवित्र किया, साथ में शरीर को आप कल्पना के द्वारा पवित्र कीजिए, भावना के द्वारा मेरा शरीर पवित्र है यह भाव करना, और उसके बाद हृदय कमल में, उसके बाद में अपने हृदय कमल में क्या करेंगे, मेडिटेट करना है। हृदय कमल में नारायण बैठे हुए हैं, कैसे हैं उसका करना है। हृदय कमल में परम सूक्ष्म दीपक शिखा के समान जीव कला का ध्यान करें। यहां कल्पना करना है कि हृदय के अंदर एक दीप शिखा के अनुसार, जैसा जैसा उपनिषद में कहते हैं कि अंगुष्ट मात्र पुरुष सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट, हमारे हृदय में अंगुष्ट की तरह है, और नारायण सूक्त में, नारायण पुरुष सूक्त दूसरा नारायण सूक्त में है, ऐसा कहा जाता है कि हृदय के अंदर एक दीपक की कल्पना कीजिए, उसके अंदर पहले ऊपर से लाल है, भीतर नीला है, और उसके अंदर अत्यंत सूक्ष्म एक चमकती लौ है। जैसे हम देखते हैं कि जो एक लाइट जलती है तो बाहर से वो येलोइश होती है, अंदर एक ब्लू पोर्शन होता है, वो कहते हैं उस ब्लू पोर्शन के अंदर भी एक सूक्ष्म चमकती रेखा है। वो समझने कल्पना कीजिए कि वह तस्या शिखाया मध्य परमात्मा अवस्थित है, उसके अंदर परमात्मा है, ऐसा कल्पना कीजिए। तो उसी को यहां पर कहते हैं हृदय कमल में परम सूक्ष्म और श्रेष्ठ दीपक शिखा के समान मेरी जीव कला का, भगवान के अंश जो जीव है, भगवान का एक कला यानी पार्ट वह जीव है, उसकी हमारे हृदय में ध्यान करे और ध्यायेत। उसके बाद कहते हैं क्या करना है उसको, बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि ओंकार में अकार उकार मकार बिंदु और नाद, इन पांच कलाओं के अंत में उसी कला का ध्यान करते हैं। ये उन्होंने कहा है कि वो लोग जब ओंकार का ध्यान करते हैं तो उसके अंदर उसका उसके साथ में उस जीव कला या उस सूक्ष्म ज्योति का ध्यान करते हैं। फिर कहते हैं वह जीव कला आत्मस्वरूपिणी तया आत्मभूतया पिंडे व्याप्ते संपूज्य तन्मयः आवाह अर्चादीशु स्थाप्य न्यस्तांगम माम प्रपूजये। उसके बाद वह जीव कला, वही आत्मस्वरूप जैसा मैंने कहा है, जब उसके तेज से सारा अंतःकरण और शरीर भर जाए तब मानसिक उपचारों से मनी मन उसकी उपचार पूजा करनी चाहिए, तदनंतर तन्मय होकर मेरा आवाहन करे और प्रतिमा आदि में स्थापन करे, फिर मंत्रों के द्वारा अंग न्यास करके मेरी पूजा करे। सबसे पहले भगवान को हृदय में, आइडेंटिफाइंग हिमसेल्फ विद दैट फॉर्म, ही शुड मेंटली वर्शिप इट। उसको परमात्मा जो जीव कला है वही आत्मस्वरूप है, उससे उसके बाद में यहां पर ध्यान करने के बाद उसको सोचो कि जब सारा शरीर उसकी ज्योति से व्याप्त हो गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसके कई मॉडिफिकेशन हैं। जैन धर्म में एक इसी प्रकार का वर्णन आता है जिसमें है कि ये कल्पना की जाती है कि नाभि से ज्योति उठ रही है, अग्नि उठ रही है, नाभि में एक कमल है वहां से अग्नि उठ रही है, ऊपर भी एक काला कमल है हृदय में उसको जला रही है, काला कमल दोषों का प्रतीक है, और उसके बाद में सारे शरीर को जला रही है। उसके बाद में सब जब शरीर जल गया तब क्या बताया, शुद्ध आत्मा,
और यहां पर कल्पना की जाती है कि यह जो ज्योति है, इस ज्योति से सारा हमारा शरीर ज्योतिर्मय हो गया है, यानी यह आत्मा और शरीर एक हो गए। ऐसा करने के बाद में मन ही मन मानसिक उपचारों से उनकी पूजा करे, उसके बाद में भगवान का आवाहन करे। पहले तो शरीर के अंदर अपनी मन ही मन इस आत्म स्वरूप की पूजा करेगा, उसके बाद आवाहन करेगा बाहर जो परमात्मा है, मेरे भगवान को, इष्ट देव को करके बाहर उसके अंदर उसका उसको कर उसको उसका आवाहन करके उसके पूजा करना। अब उसके बाद में एक और कल्पना की बात की जाती है। कहते हैं पाद्यो स्पर्श अर्हणादीन दीन उपचारान प्रकल्पयेत, उपचार की प्रकल्पना, यह भी कल्पना है, याद रखिए, मन में कल्पना करना है। कहते हैं यहां बाहर तो आपने आसन बनाएंगे, हम देखे हनुमान जी के जब राम नाम संकीर्तन होता है तब हम क्या करते हैं, आप लोग जब देखेंगे एकादशी को राम नाम संकीर्तन होता है तब देखेंगे कि एक आसन और लगाया जाता है और उसके सामने एक टेबल के ऊपर कुछ चीजें रखी जाती है, आसन वैसा ही रहता ही है। जहां कहीं भी राम नाम संकीर्तन होता है वहां आसन होता है। इसका पीछे भाव यह है, हनुमान जी ने कहा है यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। भगवान हनुमान जी का यह है कि जहां भी भगवान राम का कीर्तन होता है वहां मैं पहुंचता हूं। तो ये मानते हैं कि राम नाम संकीर्तन हो रहा है, हनुमान जी आके बैठेंगे, उनके लिए एक आसन बना दिया। और जो पूजा होती है कभी कभी फॉर्मली एक आसन भी ऑफर किया जाता है, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बात है अपने हृदय में हृत कमलम आसनम दद्यात, ये इसको कहते हैं मानसिक पूजा। और जो हमारे यहाँ श्री राम कृष्ण की पूजा इत्यादि है उसमें पूरा श्लोक है, कई श्लोक है जिसमें कहते हैं कि हृदय कमल जो है वो हमने भगवान को आसन के रूप में दो। उसके बाद में पुष्प कौन से हैं, अहिंसा सत्य इत्या अहिंसा परमम पुष्पम, अहिंसा रूपी पुष्प देना, सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य अस्ते इत्यादि ये पुष्प हैं, और भी जो सद्गुण है वो भगवान के पुष्प हैं। तो उसी बात को यहां पर कहते हैं कि आसन की कल्पना करो, उसमें धर्म आदि गुणों और विमला आदि शक्तियों की भावना करे। जो आसन है हमने हृदय में एक आसन की कल्पना की जिसपे भगवान बैठेंगे, ये आसन किससे बना हुआ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि बसे बना हुआ है, और विमला इत्यादि मैं नहीं जानता है कौन सी शक्तियां हैं, इन शक्तियों आदि के द्वारा वह बना हुआ है। अर्थात आसन के चारों कोने में धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य, जो आसन भगवान का कल्पना करेंगे हृदय में, कहें कल्पना करेंगे कि वह आसन है उसके चार कोने क्या हैं, धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य, फिर अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य या जो विपरीत चीजें हैं वो चारों दिशाओं में डंडे के समान है, दूर है। सत्व रज तम रूप तीन पटरियों से बनी हुई पीठ है, भगवान को कहां बिठाएंगे तो तीन गुण हैं, एक टेबल बना हुआ है जिसमें लकड़ी के तीन प्लैंक लगे हुए हैं, और ये तीन प्लैंक लकड़ी के तीन पट्टे कौन से हैं, सत्व रज और तम, ये तीन पट्टे हैं। और उस पर विमला उत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया योगा बव्वी सत्या ईशाना और अनुग्रहा, ये नौ शक्तियां विराजमान। ऐसे आसन पर भगवान बैठेंगे, उस आसन पर एक अष्टदल कमल है, उस पर एक कमल है 8 petaled, उसकी कर्णिका का अत्यंत प्रकाश, कर्णिका उसके जो सेंट्रल पोर्शन है अत्यंत प्रकाशमान है, पीली पीली केसरों से उसके जो निकलते हैं ना केसर वो पीले पीले रंग के हैं। और आसन के संबंध में ऐसी भावना करके आचमनीय अर्घ्य आदि उपचार प्रस्तुत करे मनी मन। जो कहा ना आचमन के लिए जल देते हैं अर्घ्य देते हैं, उसे कहें। तदंतर भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए
वैदिक और तांत्रिक विधि से पूजा करें। तो ये मानसिक पूजा बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पीछे भाव यह है कि हमारा मन भागता है, इधर उधर भागता है, उसको एक जगह लगाने के लिए इस प्रकार की इमेजिनेशन जो भगवान से संबंधित हैं, इसके चर्चा आगे की चर्चा और करेंगे। ये जो मानसिक पूजा है उसकी चर्चा खुद महत्व की है। ये इसमें एक तो प्रार्थना, जप, ध्यान और पूजा, ये सब मानसिक हो सकती है। और मानसिक पूजा से कैसा लाभ होता है, और डोंगरे महाराज की एक मैंने कथा में सुना था, उसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।